यो गुड मॉर्निंग नेटिव लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है हम हिमाचल प्रदेश में, चौथा पांचवा दिन है अपना, और हम हैं मैकलोडगंज की गलियों में घूम रहे हैं। हमने चेकआउट करा होटल से 12 बजे, अब अप्रोक्स 1 बज रहे होंगे दोपहर के, और अभी हम मैकलोडगंज एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट वगैरह मिल रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, सो वो सब मैं आपको दिखवाऊंगा। बाय द वे, अभी आप बैक का व्यू देखो, नीचे घर है, मतलब शहर है, दिख नहीं रहा यहाँ से क्लियर, बट व्यू भाई साहब ऑसम है, मतलब यहाँ से। तभी मैंने सोचा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम मैकलोडगंज की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग में मैं सुबह एक्सप्लोर करेंगे मैकलोडगंज क्या है। हल्की बारिश हो रही है, हाँ हम बादलों में हैं, ऐसा लगता नहीं है, फील नहीं होता, बट दूर से देखने से लगता है, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, और अब तेज होने लग गई भाई दफे जैसे हमने बताया। सो अभी एक्सप्लोर करते हैं और आपको सिनेमैटिक शॉट्स भी दूंगा और आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। सो स्टे ट्यून, ब्लॉग एंड तक देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। सो गाइस, ब्लॉग एंड तक देखना और एंजॉय करो। सो गाइस, ये मैकलोडगंज की गलियां, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट वगैरह, छोटी छोटी दुकानें हैं, हैंडक्राफ्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कैप्स वगैरह हाथ से सिले हुए, और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे मैकलोडगंज। सो गाइस, अभी हम जस्ट बाहर खड़े हैं दलाई लामा टेम्पल के बाहर, मोनेस्ट्री के बाहर। सो अभी इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो लेट्स गो, दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है यहाँ का। ये अंदर का सीन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है बहुत प्यारी सी, और ये कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती। सो अंदर का कुछ ऐसा सीन है जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सब ऐसा है अंदर से। और अभी अंदर और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या देखने लायक है। सो गाइस, जैसे हम टेम्पल के अंदर आए, यहाँ बर्फबारी होने लग गई, जो कि आप देख सकते हो बर्फ गिर रही है ऊपर से, बारिश हो रही है और बर्फ गिर रही है, ओले पड़ रहे हैं जैसे हम कहते हैं, ओले पड़ रहे हैं, तबियत खराब हो गई, इसने वॉमिट कर दिया। बाद में गाइस देखो, बर्फ पड़ रही है यहाँ पे यार, ओले गिर रहे हैं, ओले, जब भी कोई लड़की देखे मेरा भी ओले ओले ऊपर से गिर रहे हैं, ओले ओले। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, तो अभी मंदिर एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बहुत तेज बर्फ गिर रही है, टन टन आवाज आ रही होगी आपको, एक बार आपको बैक कैमरा खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी तगड़ी तरीके से बर्फ पड़ रही है, आवाज आ रही है आपको, देख रहे हो बर्फ है, ये बारिश नहीं है, ये बर्फ है, ओनली बर्फ गिर रही है यहाँ, नीचे बर्फ गिर रही है, बड़े बड़े स्टोन टाइप गिर रहे हैं, व्हाइट व्हाइट बर्फ है ये। मेरा हाथ नहीं जा पा रहा बाहर का, ऊपर शेड है, तो यहाँ बर्फ गिरने लग गई है। अच्छा हुआ हम टेम्पल में आ गए, वरना बाहर तो हालत खराब हो जाती है हमारी। सो गाइस, हम आ चुके टेम्पल के अंदर और बारिश हो रही है, इसकी वजह से नॉइस बहुत आ रहा है, तड़तड़ आवाजें आ रही है, और टेम्पल के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं। तो ये अंदर का व्यू जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे, ऐसा कुछ है, और ये है टेम्पल, तो अभी अंदर जाएंगे देखते हैं क्या है। अभी यहाँ डांस वांस कर रहे हैं, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और जब हम आए, जैसे हम मंदिर में आए, बारिश स्टार्ट हो गई, और आपको दिखाता हूँ पीछे, अभी भी बारिश हो रही है, आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा, और बारिश हो जा रही है, हो जा रही है। तो गाइस, जाके थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो इंजॉय करो। सो गाइस, अभी मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए यहाँ के, अभी यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पर दिए वगैरह जलाते हैं बहुत सारे, और यहाँ पर एक मंदिर सा बना हुआ है, और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं शांति से, और कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, मतलब मस्त माहौल है यहाँ का, एकदम मज़ा आ रहा है, और बारिश अभी भी हो रही है बाहर की साइड, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो, नहीं दिख रहा होगा आपको बाय द वे, तो यहाँ से दिखेगा आपको, आगे चलता हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। आपको बैक व्यू दिखाता हूँ एक बार, देखो सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ का, इतना कोहरा हो गया है। तो मैंने एक्सप्लोर करके आपको दिखाया सिनेमैटिक शॉट्स में, बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स आए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, एक अलग सी शांति है यहाँ पर, और लोग अपने डांस कर रहे हैं, मस्ती में मज़ा कर रहे हैं, और यहाँ पर आके आपका ना माइंड एकदम शांत हो जाएगा और बहुत प्यारा हो जाएगा। सो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और अब चलते हैं बाहर और फिर बाहर एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम निकल चुके हैं तो मंदिर से वहाँ से, और अब हम जा रहे हैं मैगी खाने और चाय पीने,
बस भूख लग रही है और अभी जस्ट बारिश बंद हुई है और ठंड बहुत बढ़ गई है। तो भाई लोग अपन बैठ चुके हैं दुकान पे चाय और मैगी वगैरह खाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं इधर दुकान मैगी वैगी बन रही है, सो अभी खाते हैं। सबको भूख लग गई है, सब भूखे हैं। गाइस हम खा रहे हैं यहाँ पकौड़े मैगी चाय। सो गाइस हम खा रहे हैं यहाँ पे पकौड़े अपने और बैंगन के पकौड़े, बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ चटनी बताऊँ किस चीज़ की है, ऑप्शन है अच्छा मिर्च लग गई। Awesome. A few moments later. So guys देखो फेस प्रिंट दे रहे हैं भाई अपने। ये देखो तो अपने भैया का फिर से मूड बन गया शॉपिंग का, जैसे कि आप देख सकते हो फुल मूड में शॉपिंग के। और पहले भी करी थी, हालत खराब हो चुकी है, तब भी समझ नहीं आ रहा रखेंगे कहाँ, ले तो लेंगे बट रखेंगे कहाँ। सो बाय द वे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हुडी शर्ट्स वगैरह है मस्त, और शॉप भी काफी अच्छी बना रखी है। करंट वाली टॉर्च लेके एक बार कर दिखाना भैया, भाई करंट बहुत तेज लगता है इससे अंदर। तरुण एक बार टेस्ट तो कर, कैसे लगाएंगे तो अब तो लगेंगे ना। सेल्फ डिफेंस के लिए ना, चेक करके देखो चल गया क्या। भाई को देखो क्या हो गया, भाई ने फोन गिरा दिया। भाई चक्कू की तो जरूरत ही नहीं है, अब शरीर में टच करो, मदद करो होगी मेरी तो। मजा आ गया श्याम को, लगा तो श्याम को, श्याम को भैया भाई मजे मजे मतलब भाई जो करंट लगाया था दाने दाने से निकल गए और दिमाग खुल गया था एक बार में करंट लगते ही, बहुत काम की चीज थी सेल्फ डिफेंस के लिए भाई साहब। सो गाइस अब करते हैं व्लॉग को एंड, आई होप कि आपको ये वाली व्लॉग तो पक्का अच्छी लगी होगी, बिकॉज हमने पागलपंती करी है, मैंने अपनी जान पे खेल के वो मेरे तो पता नहीं कितने दिख नहीं रहा। तो अपनी जान पर खेल के हमने करंट झेला है, सबने झेला है, बस एक बंदे को छोड़ के उसने यहाँ झेला है, मैंने तो खुद ही लगा लिया, मेरे भी वहाँ पे ही लगाई है, तो मैंने तो खुद ही लगा लिया था। तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं तो लाइक तो बनता है, लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट तो कर ही सकते हो ब्रो, लगा बूम बूम ब्रो। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी अट्रैक्टिव नेविगेटर्स।